हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। और हम चैप्टर सेकंड में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम कर चुके थे, जो हमने पढ़ा था टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में कि दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या हैं जिसके थ्रू हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला हमने सेंसस मेथड पढ़ा था और सेकेंड हमने NSSO के बारे में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसमें आप जानेंगे कि जो सैंपल मेथड है तो सैंपल मेथड क्या होता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसस मेथड क्या होता है। दो टाइप के मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे। सेंसस के बारे में तो आपने कल काफी कुछ जाना था, आज हम पढ़ेंगे सेंसस मेथड का थोड़ा और। देखिए, सेंसस मेथड क्या है? इट इज द मेथड ऑफ स्टैटिकल इनुमरेशन वी हर ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडी। मतलब क्या इसका कि सेंसस मेथड वो मेथड होता है जहां पे पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी आइटम स्टडी किया जाता है। जहां पे पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी आइटम स्टडी किया जाता है उसको हम सेंसस मेथड बोलते हैं। अब बात आती है पॉपुलेशन क्या। तो पॉपुलेशन लाइक मान लीजिए मैं किसी कॉलेज का डाटा कलेक्ट करती हूँ और उस कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उन 2000 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, तो मेरे लिए क्या है वो 2000 स्टूडेंट्स क्या है, पॉपुलेशन है मेरे लिए, राइट। तो वहां पे मैंने किस मेथड का यूज किया, सेंसस मेथड का यूज किया, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली 2000 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है, तो वो मेरे लिए कौन सा मेथड हो गया, सेंसस मेथड हो गया। अब फिर बात आती है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अंडर कंसर्न। मतलब क्या कि पॉपुलेशन मतलब ये है कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है तो जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, जितने आइटम्स का हमने डाटा कलेक्ट किया है, टोटल आइटम्स का, वो क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन होता है, राइट। तो बाय यूजिंग द सेंसस मेथड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय सर्विंग ऑल द हाउसहोल्ड इन द कंट्री। सेंसस मेथड का यूज करके हम हमारी कंट्री में प्रत्येक हाउसहोल्ड सेक्टर के बारे में सर्वे कर सकते हैं, प्रत्येक हाउसहोल्ड सेक्टर का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे जैसे मानिए कि देर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, कोई कॉलेज है और उसमें 2000 बच्चे हैं। इफ द इन्वेस्टिगेशन डन ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन 2000 स्टूडेंट्स वुड बी टेकन एज अ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो उस कॉलेज के जो 2000 बच्चे हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, पॉपुलेशन होंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे, यूनिवर्स होंगे। तो ईच यूनिट ऑफ 2000 इज कॉल्ड द आइटम। अगर उन 2000 में से मैं एक एक करके आइटम, मतलब एक एक स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करती हूँ, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट मेरे लिए क्या है, एक आइटम है। इफ द स्टैटिकल इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द यूनिवर्स, अगर स्टैटिकल जो इंक्वायरी है वो किस पे बेस्ड होती है, पूरी आइटम, मतलब कि यूनिवर्स में जितने आइटम है, अब टोटल कितने हैं, 2000 आइटम है, तो अगर आपने 2000 आइटम का डाटा कलेक्ट किया है, अगर आपने क्या किया है, 2000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया है, 2000 आइटम का डाटा कलेक्ट किया है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सेंसस इंक्वायरी आप कर रहे हैं। सेंसस जो मेथड है वो कहाँ पे सुटेबल होता है, मतलब कि सेंसस मेथड की सुटेबिलिटी क्या है, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का साइज क्या है, स्मॉल है, अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है तो सेंसस जो मेथड होता है वो सुटेबल होता है, आपको सेंसस मेथड का यूज करना चाहिए। दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं और आपको डाटा कलेक्ट करना है तो आप ओनली सेंसस मेथड के बेसिस पे ही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंसिव एग्जामिनेशन, अगर आप जिस चीज का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और आपको उसके रिगार्डिंग इंटेंसिव एग्जामिनेशन, इंटेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसके रिगार्डिंग, आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप ओनली सेंसस मेथड के थ्रू जान सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी,
सेंसस जो मेथड है उसमें जो डिग्री होती है वो एक्यूरेसी और जो रिलायबिलिटी होती है, वो मतलब क्या कि सेंसस मेथड जो होता है वो हाईली एक्यूरेट होता है और हाईली रिलायबल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सोर्स ऑफ द ओरिजिन से डाटा कलेक्ट किया जाता है, और जब आप सोर्स ऑफ द ओरिजिन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि वो जो डाटा है वो एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद बात आती है मेरिट्स की, कि जो सेंसस मेथड है उसके मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहला जो मेरिट है वो है रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो सेंसस जो मेथड होता है आपका वो बिल्कुल सेंसस मेथड अगर आप लगाते हो डाटा को कलेक्ट करने में, तो जो डाटा आप कलेक्ट करते हो वो हाईली रिलायबल और एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड के थ्रू आप कंट्री के ईच एंड एवरी आइटम को क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, इसलिए। फिर आता है लेस बायस्ड। लेस बायस्ड का मतलब ये है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम। डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, राइट? तो अब्सेंस होता है इन्वेस्टिगेटर के डिस्क्रिशन का, कि अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए 2000 बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है और उसने इंटेलिजेंट बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, तो वो तो उसका डिस्क्रिशन हो गया। बट सेंसस मेथड में क्या होता है, जो डिस्क्रिशन होता है वो अब्सेंस होता है, डिस्क्रिशन नहीं होता है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन में क्या आता है कि सेंसस मेथड जो होता है वो क्वाइट एग्जॉस्टिव होता है एंड देयरफॉर मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर एग्जामिन। इट मीन्स दैट कि सेंसस मेथड का यूज करके आप पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं और डिसीजन भी एक मीनिंगफुल ले सकते हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद बात आती है स्टडी ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। स्टडी ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि बाय यूजिंग दिस मेथड वन कैन स्टडी अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। सेंसस मेथड के थ्रू आप डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ सकते हैं पॉपुलेशन के। लाइक आप पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप किसी पर्सन की इनकम, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, उसका लिटरेसी रेट क्या है पॉपुलेशन का, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्टडी ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर आता है स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। देखिए जो भी आइटम होते हैं यूनिवर्स में वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, सेम तो होते नहीं है। सो ओनली सेंसस मेथड जो है उसी का यूज करके आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो गेट कर सकते हैं। क्योंकि लिटरेसी रेट ये तो नहीं है ना कि सभी लिटरेट है, कोई होगा कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई फिफ्थ पढ़ा है, कोई एट पढ़ा है, कोई टेंथ है, कोई ट्वेल्थ है, कोई पीजी है, कोई यूजी है, कोई पीएचडी है, राइट? तो सेम नेचर का तो डाटा नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो मिलेगी, राइट? तो कॉम्प्लेक्स नेचर की चीजें मिलती हैं, तो सेंसस मेथड के थ्रू ही उनसे डील किया जा सकता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इट कैन बी सक्सेसफुली यूज इन द इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट पुअर्टी करप्शन। मतलब क्या इसका कि सेंसस मेथड के थ्रू जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने किसी पर्सन का डाटा कलेक्ट किया तो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मैंने ले ली, साथ के साथ में उससे और भी अलग इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। आप एम्प्लॉयड हो, आपकी फैमिली में कितने लोगों के पास रोजगार है, क्या काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, कितनी इनकम है, राइट? ओके, करप्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी में, उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है जब हम क्या करते हैं, हर आइटम को मतलब हम देखते हैं, बारीकी से हम देखते हैं, राइट? डीमेरिट्स क्या है इसके? कॉस्टली। सेंसस जो मेथड है, कल भी मैंने बताया था आपको कि सेंसस जो मेथड है, जो जनगणना की जाती है, राइट, इंडिया की 2011 में की गई थी, लास्ट 15वीं जनगणना थी, तो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये मेथड होता है इसका यूज करना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट
के द्वारा इस मेथड का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही सेंसस ऑफ मेथड, जो सेंसस मेथड है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट पता कर पाए कि उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है और गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ा सके, आउटपुट लेवल को बढ़ा सके, देश की ग्रोथ रेट को बढ़ा सके। लार्ज मैन पावर, ट्रेनिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर, इसमें क्या आता है, ट्रेनिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर, इट मीन्स दैट कि जब सेंसस ऑफ इंडिया किया जाता है तो हम इन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं, राइट। जब इन्यूमरेटर को अपॉइंट किया जाता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग इन द सेंस उनको बताया जाता है कि कैसे काम को करना है, राइट। तो इसमें क्या होता है, लार्ज मैन पावर की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ती है और इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और मैन पावर की भी बहुत जरूरत है क्योंकि हमें ईच हाउसहोल्ड सेक्टर, हमें हर आइटम को कवर करना होता है इसमें, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर हम लार्ज एरिया को कवर करना चाहे तो सेंसस मेथड जो है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से नहीं किया जा सकता, मतलब कि सेंसस जो मेथड है उसका यूज जो है वो हम अगर बड़े एरिया में यूज करना चाहे तो हम उसका नहीं कर पाते क्योंकि कॉस्टली भी है और मैन पावर भी इसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, तो हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये था आपका सेंसस मेथड ऑफ इंडिया। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ पॉपुलेशन का बताया है कि देखिए जैसे 2000 स्टूडेंट थे एक कॉलेज में, राइट, तो वो तो क्या हो गई पॉपुलेशन और यूनिवर्स। अब उसमें से अगर मैंने 500 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, 500 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया 2000 में, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका सैंपल हो जाएगा। तो ये था आपका सेंसस मेथड, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उस पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू।